हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी। तो स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी, मेरी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब करो, ऐसे बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे, और फिर लाइक करो ऐसे। ये मसाले हैं 2 चम्मच खसखस, 5 से 7 लाल मिर्च, 10 से 12 काली मरी, 4 से 5 चम्मच पीसा हुआ खोपरा, 3 तज के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 4 इलायची और 4 फूल के पत्ते। ये मैंने 2 टमाटर काट के ले लिए हैं। ये मैंने 3 स्मॉल साइज़ की प्याज ले ली है जिसको चॉप कर लिया है। ये मैंने 500 ग्राम चिकन ली है जिसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। ये है कोथमीर, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, और ये करी लीव है, कड़ी पत्ता फ्रेश। और ड्राई मसालों में है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के मुताबिक नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मैंने एक पैन ले लिया है गरम करने के लिए। उसके बाद मैं इसमें जो खड़े गरम मसाले जो हमने लिए हैं 9 मसाले, उसको मैं इसमें डाल दूंगी, देखिए इस तरह से। और जो हमने पीसा हुआ खोपरा लिया है उसे हम लास्ट में डालेंगे जब मसालों की खुशबू आ जाने लगे। उसके बाद हम लास्ट में हम खोपरा डालेंगे ताकि खोपरा जल्द ही भून जाता है, वो जल जाने का डर रहता है। हमें इसे ज़्यादा बहुत नहीं भूनना है, सिर्फ हमें गोल्डन ब्राउन हो जाए और आपको मसालों की खुशबू आ जाए वहाँ तक ही आपको भूनना है, और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। इसी तरह से हम मसालों को भून लेंगे और निकाल लेंगे। मसालों को हमने भून कर निकाल लिया है और उसको ठंडा कर कर ग्राइंडर में उसे बारीक पीस लिया है। अब हम एक मिट्टी की हांडी ले लेंगे और उसे गैस पर रख देंगे। उसके अंदर हमने 4 से 5 चम्मच तेल डाला है, तेल कम से कम 100 ग्राम जितना होगा। उसके अंदर सबसे पहले हम करी पत्ता डालेंगे। जब कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाए उसके बाद हम सबसे पहले कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमने सब प्याज इसमें डाल दी है और उसे हम चम्मच से चलाते रहेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही करना है। प्याज ये हो चुकी है ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हमने जो 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। उसके बाद हमने जो टमाटर काट के रखे हैं 2, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से हम पकने देंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाए और तेल ऊपर आ जाए उसके बाद हम उसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये जो हमने मसालों को ग्राइंड करके रखा है उसे हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे। उसे डालने के बाद अच्छे से हम उसे मिक्स करेंगे। इसी टाइम पे मसालों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आने लगती है। ये बिल्कुल अलग ही टेस्ट का चिकन करी बनके रेडी होता है। और हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाले चोट ना जाए। और जब ये मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए उसके बाद जो हमने ड्राई मसाले लिए हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसे भी हमें भूनना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद उसे हम अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भूनना है, और जब लास्ट में जब तेल ऊपर आ जाए उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं और तेल भी ऊपर दिखने लगा है। अब हम ये चिकन जो हमने धोकर साफ करके रखी है उसे हम इसमें डाल देंगे इस तरह से।
और सब चिकन डाल देने के बाद उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम 2 मिनट तक ऐसे ही चिकन को भूनने देंगे मसालों के साथ। जब 2-3 मिनट हो जाए और चिकन पे अच्छे से मसाले चढ़ जाए उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने आधा ग्लास पानी ऐड किया है, इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। देखिए इस तरह से। अब उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए उसको ढक कर स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे। 15 मिनट हो चुकी है, अब देखते हैं हम। देखिए माशाल्लाह तरी ऊपर आ चुकी है और चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है 15 मिनट में। अब इस टाइम पे आप जितनी भी ग्रेवी रखना चाहो, अगर आप ज़्यादा पतला खाना पसंद करते हो सूप वाला, तो आप उसके हिसाब से पानी आप डाल सकते हो। मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब फिर से मैं इसे 5 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूँगी। 5 मिनट हो चुकी है, ये चिकन खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया जो हमने काट कर रखा है, कोथमीर, उसे हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आप गर्मा गर्म चावल के साथ या रोटी के साथ आप ज़रूर से ट्राई कीजिए इसे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ नॉन वेज और वेज दोनों ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ मेरी चैनल के साथ बने रहिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।